Guys, we are doing the Mahaarti. This is चलो बेटा मंजीरा मत सबको बुला दे काम करो हम इस तरफ साइड आ जाते हैं फाइल ना वो देखते हैं बन रहा है ये तो पापा जो आज पापा And guys, come in front, Yola. Please, all, everyone, y'all can come. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर उपसेंदुराची कंबे जड़के मानता पड़ाची जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामापूर्ति जय देव रत्ना खजित भरा तुझ गौरी कुंगरा चंदना चे ओटे कुमकुम केशरा हीरे जड़त मुकुट शोभा तो बारा पूर चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फड़िवर वंदना सर सुंदर व्रत त्रिंड त्रिनयना दास रामाचारे सदना संग श्री बाबा निर्वाणि रक्षा सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री सुंदर मुरुदे दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव लवठौते विक्राणा ब्रह्माणे माला विषे कंठ काला त्रिनेत्री ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाला ते पुनिया जल निर्मल वाहे झुलझुला जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा भारतीय वारु तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोला नैनी विशाला हरभांगी पार्वती सुनंजमाला विभूति चे उपजल सुत गंध नीला ऐसा शंकर शोभे उन्मार लाला जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा भारतीय वारु धावती ओ वारु तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी दत्त सागर मंथन कर गेले प्रमादयोचित हल्ला हल उठले चेत्वा असुल्पन त्रासन गेले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा भारतीय वारु धावती ओ वारु तुझ कर्पूर गौरा जय देव वाघांबर फड़िवर धर सुंदर मदनारी पंजानन मनमोहन मंजन सोकारी सतकोटि चेरी जय वाचे उच्चारी रघुकुल तिलक राम दस अंतरी जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा भारतीय वारु भारतीय वारु तुझ कर्पूर गौरा जय देव दुर्गे दुर्गद भारी तुझ बिन संसारी नाधे नाधे अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी वन मरणा ते वारी हारी पटलता संकट निवारी जय देवी महिषासुर मदनी ओ महिषासुर मदनी सुरवर ईश्वर वर वेदार संजीवनी जय देव त्रिभुवन भवनी पाता तुझ सी नाही चारी समले रंगो ना बुल्ले गाही साहि विवाद करता पड़ले प्रवाही ते तू हत्ता लागे पावस लवलाही जय देव महिषासुर मदनी ओ महिषासुर मदनी सुरवर ईश्वर वर दे तारक संजीवनी जय देव त्रिभुवन भवनी पाजा तुझ सी नाही चारी समले रंगो ना बुल्ले गाही साहि विवाद करता पड़ते प्रवाही
कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कब हुआ एंड कब आज उनका विसर्जन का टाइम हो गया हमें ये पता भी नहीं चल रहा, पता ही नहीं पड़ता। सो आज ये 31वां साल हो गया, मैं हर साल आता हूं 31वां पिछले साल 30 था मैं आया था, इस बार 30, ये मेरा 16वां हो गया। वाओ, मेरा आपका 16वां। सो बहुत-बहुत मुबारक थैंक यू पापा के इस मौके पर, आज उनकी विदाई है, क्या कहेंगे आप एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? साल भर जिनका इंतज़ार करते हैं वैसे बापा हमारे कब आते हैं और कब जाने की तैयारी होती है ये हमें पता नहीं पड़ता। मैंने हमेशा 31 साल एक ही भावना रखी है मन में और सोचा है कि ऐसे लगता है कि जैसे नील का छोटा भाई विदेश से कहीं पढ़ते हुए यहाँ आया है 10 दिन की छुट्टी पर, और 10 दिन की छुट्टी के बाद साल भर के लिए अगर चला जाए तो आप सोच सकते हो कि एक पिता की क्या भावना होगी। आज थोड़ी उदासी हम सब में है, मगर ये खुशी है कि हमें बहुत आशीर्वादों से भरकर हमारे जीवन को अनुग्रहित कर कर बापा फिर से अगले साल वापस आएंगे। बिल्कुल नील जी, पूरी फैमिली मैं देखता हूँ एनर्जेटिक रहती है, ये पूरे जितने आप मानिए नहीं, बस आज सुबह मेरी बात हो रही थी रुक्मिणी से, मेरी बीवी से, और मैंने उनसे कहा कि अगर ये कुछ और होता, अगर शूटिंग होती और 10 दिन लगातार शूट करना होता और इस पैमाने पे जहाँ सुबह से लेके शाम तक अगर एंटरटेन करना होता, बात करनी होती और लोगों से उन्हें हमारे घर में अगर उनका स्वीकार करना होता, उनका आगमन करना होता, तो शायद थकान बहुत होती अगर शूट होता। पर 10 दिनों में हम जितनी भी बप्पा की सेवा करते हैं थकान महसूस होती ही नहीं है, इतनी एनर्जी होती है। हाँ, अब 10 दिन ख़त्म होंगे, उनका विसर्जन होगा और कल से शायद एक हफ्ता ऐसी थकान लगेगी और ऐसी मायूसी होगी के घर सोना सोना लगेगा। मेहमान आते हैं जैसे घर में, बट ये तो हमारे घर के परिवार के हिस्सा हैं और वो वापस 10 दिन आए, यहाँ पे इतनी रौनक लगाई, जैसे पापा ने कहा कि बोर्डिंग स्कूल से आए हैं और बोर्डिंग स्कूल से वापस अब जा रहे हैं, जो तो ऑब्वियसली बहुत भारी दिल हो तो रहा है, बट अब मैं जानता हूँ कि प्रोसेशन के समय मम्मी और पापा बहुत नाराज़ होंगे, बट
मालूम है कि अगले साल फिर बप्पा आएंगे और यही रौनक होगी। बिल्कुल, मैं जब भी आता हूँ इस घर में, हर एक साल यहाँ की डेकोरेशन दुगनी है मुझे दिखाई देती जी। इस बार भी देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू। आपका इसका पूरा श्रेय मैं अपनी माँ को दूंगा। हर साल बप्पा का विसर्जन होता है और अगले दिन से वो प्लानिंग शुरू कर देती हैं कि अगले साल क्या करेंगे। बट हर साल कहीं ना कहीं एक हम थीम अपने दिमाग में रखते हैं। मम्मी भी जब प्लान करती हैं अपने एक थीम अपने दिमाग में रखती हैं। जैसे पिछले साल 30 साल हो चुके थे तो पर्ल एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया बप्पा का। इस साल नमन मेरे छोटे भाई की शादी है नवम्बर में और उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में हो, उदयपुर में हो, जहाँ मेरी शादी हुई। तो जैसे आपने अगर डेकोर देखा होगा तो पूरा राजस्थानी डेकोर, अंदर भी बप्पा की पूरी जो सजावट थी राजस्थानी थीम पर थी। उनके अंगवस्त्र घर पे बनते हैं और उस पर भी एक डोली बनी हुई है, एक बारात बनी हुई है और एक घोड़ी भी है जिसपे एक दूल्हा भी है। और जितना आप श्रृंगार उनका देखते हैं मेरे पिताजी करते हैं। उनका मुकुट वृंदावन से आता है, मेरी बहन कानपुर में भी आई हैं, वहाँ पे वो वृंदावन से बना के यहाँ भिजवाती हैं। तो हर साल जो है हर फैमिली मेम्बर का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है। मेरा लिमिट किया गया है सिर्फ मिठाई चखने में तो मेरा वहाँ तक का कंट्रीब्यूशन है। बट बहुत खुश हूँ कि हमारे परिवार में नूरवी भी आई 6 साल पहले। अब आप देख रहे हैं कि नूरवी भी कैसे जोर शोर से इन 10 दिन के सेलिब्रेशंस को कैसे इंजॉय करती है। और अब नमन की शादी है तो त्रिशोना जो नमन की फियांसे हैं वो भी इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। रुक्मिनी तो है ही, तो उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार भी ऐसे बढ़ते रहें और हमारे लिए ये 10 दिन छोटे होते रहें और हम और इन उम्मीद से और भावना से इनकी सेवा करते रहें। और आई होप कि आपके घर में इसी तरह खुशियाँ बढ़ती हमारी नूरवी ये शर्मा रहा है बताते हुए, पता नहीं क्यों नूरवी का जन्म 6 साल पहले गणपति के दिनों में ही हुआ था, एकादशी वाली तिथि पे। तो अब सबसे खुशी की बात ये होगी कि आजीवन गणपति के इन 10 दिनों में एकादशी वाले दिन हम नूरवी का जन्मदिन मनाएंगे। उसका नाम रखा गया नूरवी, लता दीदी ने एक भजन गाया था, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। तो उसमें से नूरवी, हमने उसका नाम नूरवी न से रखना चाहते थे तो बापा ने ही नाम रखा उसका। और बापा की उपस्थिति हमारे जीवन के हर क्षण में हर कदम पर होती है, रहती है। बिल्कुल। एंड जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, कौन से प्रकार की मिठाई आपने चखी है ना? मैंने शायद 2-4 किलो पहले ही कम घटा लिए थे क्योंकि मैं प्रिपेयर था कि इन 10 दिनों में मैं अगर कुछ डाइट का यहाँ पे मांगू तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। बस हर दिन एक नया किस्म का एक प्रसाद बनता है हमारे घर में ही। हम कभी भी बाहर से प्रसाद मंगाते नहीं, हम घर पे ही हर दिन उनका भोग लगाते हैं और प्रसाद जो है जो चढ़ाते हैं हम और जो हम अपने दोस्तों में और हमारे परिवार के सदस्यों में बांटते हैं तो वो घर पे हमारे महाराज जी हैं जो वो बनाते हैं। तो मेरा सबसे पसंदीदा जो है वो खोपरा पाक है, बट ऑब्वियसली मोदक बनते हैं, लड्डू बनते हैं। कल एक उन्होंने एक मिक्स फ्रूट की एक मिठाई बनाई जो अब तक मैं खाए जा रहा हूँ। ये अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ कि मिक्स फ्रूट है तो शायद यू नो इट्स हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें, अंजीर है, खजूर है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये पच जाता है अच्छे से, ये सिस्टम में शायद दिखता नहीं है। जैसे कहा कि 10 दिन बाद सब दिखना शुरू होगा। नील की दादी गुजरातन थी, मेरी माँ गुजरातन थी, तो मोहन थाल और मगज ज़रूर बनता है भगवान के लिए। तो अब बप्पा का विसर्जन का वक्त आ गया जी। हम सभी को बुरा तो लगता है लेकिन अब धीरे धीरे आदत सी पड़ जाएगी। एंड इसके बाद अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी फिट लग रहे हैं आप जी, क्या कुछ पाइपलाइन में है अगर कुछ? जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी एक फिल्म कंप्लीट कर चुका हूँ मैं और
जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आजकल ट्रेंड बन गया है कि स्टूडियो वाले आपसे पहले ही लिखवा देते हैं कि आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो लोगों को लगता है कि शायद काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बता नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं, तो वो है। बट पहले ही दिन हम लोगों ने मेरा ही पहली वेब शो, तो फिल्म के अलावा एक वेब शो मैंने हाल ही में कंप्लीट की है, जैकलिन फर्नांडिस, बमन ईरानी जी, सिद्धार्थ निगम, सुमेध और बहुत सारे उमदा कलाकार हैं उस शो में। उसका नाम है गोट्स और जियो क्रिएटिव लैब के आदित्य भट्ट जी ने इस को लिखा है। अभिषेक शर्मा जी इस फिल्म के, इस शो के निर्देशक हैं, सागर ठक्कर जी जो हैं प्रोड्यूसर हैं और जियो स्टूडियोज़ की ये प्रोडक्शन होंगी। तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को पसंद आए। बहुत ही अलग किरदार है मेरा इस वाले में। रोमांटिक होगा? जी हाँ, म्यूज़िकल है, म्यूज़िकल है। जी हाँ, मेरा भी म्यूज़िकल है और क्योंकि मैं एक म्यूज़िक लेगेसी को बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी आप जानते ही हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मन था कि मैं कुछ म्यूज़िक से जुड़ा हुआ मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं खुद पियानिस्ट हूँ, पियानो बजाता हूँ, तो उम्मीद तो थी मगर खोज भी थी कि कुछ अगर OTT पे आ रहा है कुछ, तो कुछ अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो मार धाड़ वाली फिल्में देख चुके हैं, थ्रिलर्स मेरे से देख चुके हैं और ऑफर्स जो आते रहते थे उस समय तो थ्रिलर्स ही थे, तो पहला वाला कम से कम मुझे ये था उम्मीद कि मैं उनके सामने कुछ नया लेकर आऊँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आए। लास्टली हम ऐसा माने कि डैडी की कुछ झलक दिखेगी इस म्यूजिशियन जो आपने हैं किरदार करने वाले आप? मेरी प्रेरणा और मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी ही हमेशा म्यूज़िक को लेकर, और मेरी लाइफ में मैं हमेशा अपने पिताजी को ही अपनी प्रेरणा मानता हूँ। इनफैक्ट जितनी भी अगर मुझे गाइडेंस मिली हो इस इंडस्ट्री के बारे में जानना या कैसे काम करना या कहाँ और किस कम उम्र में शुरुआत करना, मैं अपने पिताजी को अपना गुरु मानता हूँ उस पॉइंट से। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है ज़िंदगी में और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा उस पॉइंट से। बट मगर ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि सॉरी रईस नमस्ते कहना चाहूँगा। हाँ जी, सो नहीं, बट आई एम सेइंग कि मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि इस शो में इस किरदार के पास जब ये किरदार मेरे पास आया, तो पहला जो फ़ोन कॉल गया वो मेरे पिताजी को था और मैंने उनसे कहा कि म्यूज़िकल है और इसके एक्सप्रेशंस, इसका कैरेक्टर, इसका जितना भी मुझे आइडिएशन करना होगा और इसकी स्टडी करनी होगी वो मुझे आपके साथ ही करना होगा, आप ही को देखकर करना होगा और आपको मुझे हर पॉइंट पे करेक्ट करना होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पर्दे पे दर्शाया है इन्हें भी ठीक लगे, क्योंकि म्यूज़िकल है तो डर लगता है, इसलिए अभी तक तो अपना म्यूज़िक डेब्यू किया नहीं है, बट बहुत जल्द वो भी होगा। बट आधे समय तो डर लगता है कि जब आपके पिताजी और आपके दादाजी इतने इलस्ट्रियस सिंगर्स हैं तो आप भी कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। चलिए जाते हैं। मेरे लिए मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ है और चूंकि मेरा बेटा है इसलिए नहीं, वाकई सर्वश्रेष्ठ है, बहुत उम्दा अभिनेता है और जो किरदार इसने वेरीड रोल्स किए हैं उसमें हमेशा सबसे अनोखा रहा है और मुझे बहुत गर्व होता है मेरे बच्चे पे। क्या बात है, थैंक यू। चलिए तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।